कल था मेरा बर्थडे और जो बर्थडे था वो बहुत औसम था, तो थैंक्स टू हर जो इन्होंने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया बर्थडे का बाबा को बुलाकर। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता था और हमने तो एंजॉय किया, साथ ही साथ हमने जिन्हें भी इनवाइट किया था सभी ने बहुत एंजॉय किया और वो सभी लोग आए थे इतने सारे ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। तो अभी हम लोग देरी ना करते क्योंकि मुझे तो कल रात से बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, मैं रात के 3 बजे 4 बजे भी गिफ्ट खोलने के लिए तैयार था, है ना, पर सब लोग सो गए थे इसलिए नहीं खोला। तो अब हम लोग सबसे पहले वो गिफ्ट दिखाते हैं जो कि ऑलरेडी ओपन है, हमने ओपन कर चुका था। हाँ, ये गिफ्ट हालांकि आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, ये बहुत ही प्यारी फोटो है। ये एक्चुअल में हमने वहीं पर ओपन कर लिया था क्योंकि अंकल आंटी का मन था कि हम लोग तुरंत ओपन करें वहाँ पर सबके सामने, और ये फोटो बहुत अच्छी है तो इसको हम लोग जल्दी ही कहेंगे अपने सामने ही लगाएंगे, अपने सामने ही लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे अभी मैं बोल के भी आई उनको बहुत प्यारी, क्योंकि उन्होंने बहुत 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 मन से दिया। हाँ, सही है, थैंक यू वंस अगेन आप सभी को जो अपने इतना, थैंक यू सो मच पायल अंकल आंटी जी एंड रानू कई दिनों से नींद नहीं आ रही, बताओ कौन सा खोले। क्या हो सकता है, मेरे तो अभी कुछ पैकिंग से कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा कि इसमें हो क्या सकता है, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी चीज बनवा के लाई है, मुझे दिख गई है, थैंक यू सो मच यार, बहुत प्यारा है, पता है क्या है इसमें, क्या है, क्या है इसमें, पहला ऐसा गिफ्ट है जो कि मतलब हमें वेट नहीं हो रहा है, रहा है ऐसे बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मुझे कुछ लग रहा है कि क्या हो सकता है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा श्रुति यार, सच में दिल से थैंक यू सो मच, वाओ। ये गिफ्ट जो है ये फर्स्ट है जो किसी ने एज अ हिमप्रिया दिया है, बहुत सुंदर यार, बहुत प्यारा, बहुत, और इसमें साथ में एक फोटो लगी है और वो भी ऐसी लगी है कि उसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा है फिक्स वाले ने, लेकिन ये जो मतलब हैंडमेड है ना, थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू, वैसे भी तुम हमारे लिए बताओ जैन से आ गई थी भोपाल तो वही हमारे लिए गिफ्ट था, बट बहुत सुंदर लग रहा है ना, बहुत यूनिक गिफ्ट है, हर कोई मतलब जो नहीं सोच सकता है ना, वाओ, इसको हैंग करेंगे यार हम लोगों की फोटो लगा कर ना, बढ़िया यही इसको हैंग करेंगे, बहुत शानदार लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा, कलर भी इसमें बहुत प्यारा ब्राइट ना, हिमप्रिया, वाओ। सो जो ये नेक्स्ट गिफ्ट है वो निशिदी एंड जीजू का है, ये तो ये लोग बहुत प्यार से लेकर आए हैं और ये मैंने देख लिया था तभी, बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें है शर्ट, वाओ, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर में, अच्छा ब्लैक कलर, अच्छा यहाँ से ऐसा ब्लैक दिख रहा है, ये है बॉटल ग्रीन कलर, बहुत प्यारा कलर है, बहुत वाओ, हाँ अब समझ में आ रहा है, और जीजू ने बोला पहले इसको पहन के ट्राई कर लेना, कुछ भी इशू होगा तो ये चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, बहुत प्यारी सर, तो थैंक यू सो मच भैया दीदी और आंटी, थैंक यू कर रहे हैं, वाह, साथ ही साथ टैग भी करते चलता हूँ, आप बताइए नेक्स्ट गिफ्ट कौन सा ओपन करना है, नेक्स्ट ये गिफ्ट
पास में यार ऐसा लग रहा नहीं सोने की ईटो हाँ इसे कर दो हाँ नेम भी पढ़ते जाना ये है आभा आंटी जी की तरफ से हाँ आभा आंटी और अंकल जी की साइड से तो लेट्स ओपन मास जॉब्स कुछ मुझे वो लग रहा है सनग्लास टाइप से लग रहा है कुछ वाओ बहुत ही प्यारा है बहुत प्यारा थैंक यू सो मच अंकल आंटी उसकी पैकिंग से समझ में आ रहा था कि ये सब तो चीजें क्या होती है ना ये सब यूज वाली चीजें होती है तो ज्यादा इंसान को खुशी हो जाती है कि ये चीजें यूज होंगे है ना तो नेक्स्ट किस गिफ्ट पे चले मुझे ये वाला खोलना है ये वाला हाँ दिख रहा है ना वो तो मैंने खोल लिया फ्रॉम नीरू आंटी जी की तरफ से अच्छा तो ये नीरू आंटी जी की तरफ से और ये सब हमारे कॉलोनी की आंटी जी लोग हैं मतलब जो गिफ्ट अभी ओपन हो रहे हैं सब कॉलोनी की साइड सारे कॉलोनी के साइड से मतलब वाओ यार इन्होंने ही यूज वाला ही आइटम दिया है बहुत प्यारा टाई इसमें है टाई और ये गिफ्ट दिया है दीक्षा ने और वो थोड़ा सा कल सैड हो गई थी क्योंकि वो वहाँ पर देना चाह रही थी और वो गिफ्ट जो वो घर पर ही यहाँ पर छोड़ दी थी कोई बात नहीं दीक्षा मैं अभी देखो ओपन कर ले रहा हूँ और दीक्षा वैसे दो दिन रही हमारे साथ में और पूरा टाइम भी वो सबसे बड़ा गिफ्ट था क्योंकि हाँ। समय ऐसी चीज है ना तो जो हर किसी जो के हर पास नहीं होता और फिर नहीं वो डॉक्टर है और डॉक्टर होते हुए छुट्टी लेना बहुत बड़ी बात हो गई सही बात है फ्रॉम दीक्षा राहुल श्रीवास्तव खुल जा सॉरी दीक्षा मैं बहुत इज्जत से खोल रहा था खुल नहीं पा रहा है इसमें है ये कैंडल्स वाले क्या नहीं किसी भी यूज में ले सकते हैं किसी भी यूज में ले सकते हैं इसको हाँ। मसाला वगैरह भी अगर ये मेरे यूज की चीज है ना बहुत प्यारा मतलब साइज इसका बहुत अच्छा है मतलब क्यूट सा लग रहा छोटा सा ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं मतलब कैंडल वगैरह के लिए ना हाँ मतलब जैसा मल्टीपल यूजेस का है ये इसमें तो वैसे मसाला रखा हुआ दिख रहा है पर बहुत प्यारा है बहुत प्यारा है थैंक यू सो मच लाइन पैक करता हूँ आप बताइए नेक्स्ट गिफ्ट कौन सा ये वाला कौन सा ये मुझे पता है कौन लेकर आया इसको ये है पुष्पा और उनके हस्बैंड की तरफ से और इसमें भी है शर्ट और वो भी लाइट ग्रीन कलर की पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ये थोड़ा लाइट है उससे है ना हाँ, वो थोड़ा व्हाट कलर इज नाइस थैंक यू सो मच और इतनी दूर से आई रीवा से आई रीवा से आ जाना वो भी बर्थडे पर वो बड़ी बात थी साइज करते जाता हूं ना फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग आए और आपने पूरा एंजॉय भी किया मतलब पूरा कीर्तन लास्ट तक चला और आप लोग पूरा लास्ट तक एंजॉय किए ये हमें बहुत अच्छा लगा है इसमें है राधा कृष्ण पूरा सेट है हाँ कितना सुंदर है बहुत प्यारे और ये मतलब ये 3 फ्रेम का सेट है मेरे थोड़ा सा ऐसा इधर का दिखाई ऐसा नहीं ऐसा करके इधर साइड इसका ये टेपिंग हट उधर साइड का मतलब हाँ। सामने साइड हाँ फ्रेंड्स ये देखो दोनों राधा कृष्ण एक साथ हो गए मैं ऐसा ले लूं एक साथ हो गए ना ऐसा हल्का सा साइड करिए हल्का सा साइड पीछे वाली फोटो अच्छा
हाँ तुम ऐसा ले ली ना, ये देखो है ना वो अपने हिसाब से हाथ रखी है अपने हिसाब से लेकिन दोनों ही देख रहे हैं। देखो इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसा मुझे लगा कि सेम सेम। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। नेक्स्ट गिफ्ट अर्शन आंटी का। हाँ तो ये अर्शन आंटी का गिफ्ट है जो कि बहुत दूर से आएंगे हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। ये तो मेरे लिए है। ये आपके लिए है यार। फर्स्ट गिफ्ट। बहुत प्यारी है। हाँ सच में कलर बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच आंटी जी। नहीं बट वो मेरे लिए भी लेकर आए हैं। दो गिफ्ट थे उनके। एक और होगा। अच्छा। इसको ओपन कर लीजिए। दोनों दिखाएंगे। साथ में। बहुत प्यारा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। हम दोनों इसको एक साथ पहनेंगे। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसको ओपन करते हैं। सो ये है नेहा दीदी अमर भैया के साइड से और उनके साइड से एक बुके भी है। ये वाला थैंक यू सो मच आप लोग आए वही काफी था और गिफ्ट के लिए भी थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा मजा आता है बर्थडे में गिफ्ट अनबॉक्स करने में क्योंकि पता नहीं होता है कि अंदर क्या है और पता है जब तक वो पैक रखा रहता तब तक संतुष्ट नहीं होती जल्दी लगती जल्दी से खोलो। पहली रात में लग रहा था यार पर सब इससे थके थे कि सो गए। ये भी कुछ फ्रेम है फोटो वाला है क्या है मालूम चल जाएगा। ओ वाओ गणेश जी आ गए गणपति बप्पा बढ़िया। जय गणेश जी बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच नेहा दीदी। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। अब ये वाला ओपन करते हैं। ये आपको पता है किसका है? अच्छा हाँ 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 शालू दीदी और जीजू की साइड से है। तो थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए एंड सबसे बड़ा थैंक यू है पीयू के लिए जो उसने वो मिडनाइट सेलिब्रेशन में इतना प्यारा डांस करी थी ना। मतलब टाइम निकाल कर इतना सोच लेना और करना ये बड़ी बात होती है। गिफ्ट से ज्यादा तो रैपिंग पेपर हो जाएंगे लग रहा है। ओ यार बहुत ही प्यारा। तो ये है श्री राम मंदिर अयोध्या। बहुत सुंदर यार बताओ भगवान जी आ गए यार घर में। आ गए यार अपने घर अयोध्या का पूरा मंदिर ही आ गया बाबा। थैंक यू सो मच यार आप लोगों ने तो दिल खुश कर दिया है ना। बहुत सुंदर यार बहुत अच्छे टाइम पे दिवाली आ रही है मतलब मेरा ना ऐसा हो है ना। हाँ मेरे को भी बिल्कुल सच में यार वही वाला सॉन्ग याद आया बिल्कुल एकदम से ऐसा लगा कि जैसे रामचंद्र जी आ गए। मन खुश कर दिया आप लोगों ने यार सच में। ऐसे बिल्कुल 3D वे है ना। बहुत सुंदर है बहुत 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 सुंदर बहुत प्यारा। कभी राम नाम के हर रूप में आवे दे
ये लोग हमारे हर फंक्शन में, हर बर्थडे सेलिब्रेशन में मतलब इतना प्यार से आते हैं, और उसके बाद तो मतलब अगले दिन भी उसी उसी की बात चलते रहती है। आज भी वो लोग आए थे, हम लोग बैठे थे, क्यों जया सही बात है। कितनी सारी चीजें। देखो दीदी, जीजू जीजू होते तो अभी बता रहे, जीजू होते तो ब्लॉग देख रहे होंगे, जीजू तुम्हारा रो रही है। ब्लॉग देख कर सबसे पहले फोन करेंगे आपके पास। बहुत प्यारा गिफ्ट है और ऐसे समय में आया है ना। सो ये है जया के फ्रेंड, जया का एक फ्रेंड आया हुआ था, तो ये उसके साइड से गिफ्ट है। प्रियांशु तिवारी कह रही मेरे ही बर्थडे में बुलाना। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे वो उसमें भगवान राम बने ना मंदिर, ऐसा लग रहा सच में आके वो मतलब उसका डिजाइन ही वैसा हुआ है कि वो इतना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। जया इसमें क्या हो सकता है? इसमें मेरा फ्रेंड है तो सोच सकते हैं क्या होगा। देखो दिल से। थैंक यू प्रियांशु यार, तुम आए और तुमने मतलब इतना अच्छे से एंजॉय किया। ये गलत बात हो गई कि मुझसे नहीं, लेकिन ये गिफ्ट तुमने मुझे नहीं दिया, ये तो तुमने जया के लिए ला दिया। नहीं नहीं, ये आया ना, ये आया ना तो मुंह मीठा हो जाए। सही बात। थैंक यू सो मच। एकदम कैसे भगवान जी के आने के बाद सीधे मुंह मीठा, मुंह मीठा हो गया। सही बात। चलिए नेक्स्ट। और ये है पिक्कू भैया एंड फैमिली की तरफ से, और उनके साइड से ये बुके भी है क्योंकि उन्होंने हमें रात में ही दे दिया था यार। आशु आशी की साइड से, हाँ आशु आशी और भैया भाभी की तरफ से, सबके सबके साइड से, हाँ फुल फैमिली की साइड से। चलिए इसको ओपन करते हैं। ऐसे गिफ्ट आ रहे हैं ना कि यार मजा ही आ जा रहा है, इंटरेस्ट और बढ़ता चला जा रहा है। सॉरी हाँ, मैं बोल रहा हूँ मुझसे ना सबर नहीं हो रहा है। वाओ लवबर्ड, बहुत क्यूट सा फ्रेम है ऊपर बने हुए हैं इसमें लवबर्ड। वाओ इसका हम यूज करेंगे, इसका जल्दी यूज करेंगे फिर हम। जब इसका टाइम आएगा तो यूज करेंगे। थैंक यू भाभी, मैं आपका मन समझ गया। भाभी ने डांस डांस भी तो किया था भाभी। और ये इनके लिए है, इसमें सुहाग का सामान है पूरा। सो मच, थैंक यू सो मच भाभी। और सारे हुए हैं, हाँ सारे गिफ्ट हो गए। तो सारे गिफ्ट्स आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिए, और अभी अभी ये अभी ये वाले सारे गिफ्ट्स हैं जिसपे जो सभी की तरफ से पैसे पैसे किसकी किसके साइड से हम ये बता देते हैं, किसकी किसके साइड से बता देते हैं। एक है चंद्रा आंटी के साइड से, तो थैंक यू सो मच आंटी। और ये वाला है काव्या, काव्या मेकओवर, थैंक यू सो मच। थी अरे आप आ जाते ना, इसकी जरूरत थी नहीं थी क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए थे। एंड मेरे मैंने मजाक से बोल दिया था कि गिफ्ट लेकर आइएगा, पर जरूरी था कि लेकर ही आना, लेकर ही आना। आपको बाबा ने बुलाया था इसलिए आप पहुंच गए, इसलिए पहुंचे, सही बात। और ये है निशा पांडे आंटी की तरफ से, तो थैंक यू सो मच आंटी। ये है शुभकामनाओं से सुप्रीम भेंट भटनागर आंटी जी की तरफ से, थैंक यू सो मच आंटी। ये है मार्ग अंकल की तरफ से, थैंक यू सो मच अंकल जी। आपको तो मैं पास आकर थैंक यू बोल सकता हूँ। सामने से है ना। ये रेखा आंटी की तरफ से, थैंक यू सो मच। ये सुनीता आंटी की तरफ से, थैंक यू सो मच आंटी। ये है अलका आंटी की तरफ से, तो थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। और ये है सैफाली आंटी की तरफ से, थैंक यू
थैंक यू सो मच। आप सभी लोग आए ना, आप सभी ने एंजॉय किया, मतलब हमारे कल के फंक्शन में चार चांद लग गए, और फिर बाबा आए हुए थे तो फिर तो चार चांद लग गए। इधर वाले सारे हो गए, ब्लू वाला सब हो गए, ये वाला बुके, पर्पल वाला, ये वाला बुके भी, हाँ ये वाला बुके रह गया था, ये वाला बुके भी आंटी ने दिया हुआ है, निशा पांडे नहीं, निशा शर्मा आंटी ने दिया, तो थैंक यू सो मच आंटी, आपने दिया ये गिफ्ट, थैंक यू। सो नेक्स्ट गिफ्ट इज दिस, और ये दिया है प्रिया दी ने, खोलने से पहले समझ आ गया कि इसमें क्या है। इसमें है ठियो, इसके बोलते हैं कैप, खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी खुशबू है, ये आ बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, पहले खुशबू ले, थैंक यू, थैंक यू सो मच दीदी, एंड मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इंस्टा पे, कुछ का रिप्लाई उन्होंने किया, कुछ का मैंने किया पर्सनली, पर तो बहुत सारे लोगों का छूट भी गया है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग टाइम निकाल कर मतलब एक एक स्टोरी मेंशन करना, उस डेट को याद करना, यही बड़ी बात होती है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।